बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों की बहुत फरमाइश के ऊपर आज जो है वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ दही जमाने की। तो उसके लिए बड़े कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है। आपको जैसे नज़र आ रहा है पिक्चर में कि एक हमने ले लिया है ये मिट्टी का बर्तन दही जमाने के लिए। मिट्टी का बर्तन जो है वो वैसे भी हेल्दी है। साथ में हमने ले लिया है एक कप में हाफ कप पानी लिया है और 4 टेबलस्पून भर कर हमने लिया है ड्राई मिल्क। और ये छोटी सी जो एक कटोरी है इसके अंदर हमने 1 टीस्पून जो है दही की जाग ली है। और अब हम आपको साथ में इसका मेन इंग्रेडिएंट दूध दिखाते हैं जो कि हमने चूल्हे पे ऑलरेडी बॉयल होने के लिए रखा हुआ है। तो चलें दूध को देखते हैं और उसके बाद मैं बताती हूँ कि क्या करना है। ये दूध की देगची है और इसमें 1/2 किलो दूध जो है वो हमने ऑलरेडी चूल्हे के ऊपर गर्म होने के लिए रखा था। और आपको नज़र आ रहा है वीडियो में जिस तरीके से दूध बॉयल हो रहा है इस वक्त, जिस तरह इसके अंदर ये बबल्स उठ रहे हैं, यही बस हमें चाहिए है। इस तरीके से दूध को 15 मिनट तक कम अज़ कम आप चूल्हे पे बॉयल होने दें। आपको निशान भी नज़र आ रहा है दूध यहाँ तक था और ये एवेपोरेट होकर कम हो गया। इससे होता ये है कि दूध के अंदर जो पानी है वो कम हो जाता है और दूध जो है वो फुल क्रीम मिल्क हमने लिया है तो ये दूध जो है वो थिक हो जाता है और दही में पानी फिर नहीं छूटता है। अब वो जो मैंने आपको हाफ कप पानी दिखाया है और ड्राई मिल्क 4 चम्मच दिखाया है उसको भी घोलकर हम इसमें ऐड करके मज़ीद 10 मिनट तक बॉयल करेंगे और फिर उसके बाद नेक्स्ट दिखाते हैं आपको। अब ये जो पानी हमने लिया हुआ था इसके अंदर हम ये फुल क्रीम ड्राई मिल्क है ये हम ले लेंगे क्योंकि हमें दही ज़्यादा गाढ़ा और अच्छा जमाना है। और इसी में एक टिप और ये है कि अगर फ़र्ज़ किया कि आपका दही जो है उसकी जाग यानी जोड़न जिससे दही आपने जमाना है वो थोड़ा खटास वाला है तो आप इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून चीनी भी ऐड कर सकते हैं। उसको उससे दही की कंसिस्टेंसी में कोई फ़र्क नहीं आएगा, दही बहुत अच्छा जमेगा। तो आप इस तरीके से खट्टे जाग को मीठा भी कर सकते हैं। ये अब जो बॉयल हो रहा है उसमें हमने ये जो फुल क्रीम मिल्क पानी में घोल के डाला है ये भी हमने इसमें डाल दिया क्योंकि हमें ज़्यादा गाढ़ा और मज़ेदार जो दही चाहिए। तो आप ऐसा कर सकते हैं, ये स्टेप ऑप्शनल है आपने, वरना ऑलरेडी जो गवाले वाला दूध है उसको अगर आपने बॉयल होने के बाद 15 मिनट तक पकने दिया तो उससे भी बहुत अच्छा गाढ़ा दही जम जाएगा। अब इसके बॉयल होने का वेट करते हैं, बॉयल होता है तो फिर आपको दिखाते हैं। ये अब हम दूध जो है वो इसके अंदर डाल रहे हैं और ये चम्मच इसलिए रखा है कि छींटे ताकि उड़ें थी वो ना उड़ें। अब ये सारा बॉयल हुआ हुआ दूध हमने इसको नाली में डाल दिया और इसको इस तरह से करके अब हम इसको बिल्कुल इसी तरह पड़ा रहने देंगे क्योंकि ये अब इसको हिलाना नहीं है। तो इसके ऊपर ये जो लेयर आ जाएगी दूध के ठंडा होने की, हवा लग कर दूध ठंडा होगा और फिर आपको मैं बताऊंगी 5-7 मिनट के बाद के दूध किस कितनी गर्माइश हो उसके अंदर। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि गुनगुना दूध हो यानी ऐसा गर्म जिसमें अगर हम अपनी फिंगर डालें तो वो सहता हुआ गर्म हो, तो उस तरह का बिल्कुल लाइट सा गर्म हो। तेज़ गर्म की सूरत में दही फुटकियाँ बना देता है और दही अच्छा नहीं जमता, और अगर ठंडा हो तो भी दही अच्छा नहीं जमता। तो 15 मिनट के बाद जब ये थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा तो फिर इसके अंदर दही की जाग डालेंगे और आपको दिखाएंगे। फिर ये हमने 2 चम्मच के करीब पानी ले लिया और इसमें ये हमने 1 टीस्पून दही डाल दिया और इस दही को जो है वो हम मिक्स कर देंगे पानी के साथ। और अब हमने बिल्कुल इसको चुपके से इस दही जो दूध हमने गर्म किया था और ये दूध जो है मैं आपको चेक करवा दूं, अगर आप इसके अंदर फिंगर डालेंगे तो ये बिल्कुल सहता हुआ गर्म है। इसके अंदर हम इस तरीके से इसको डाल देंगे और पानी डालने की वजह से इसके मॉलिक्यूल सारे दही में
फैल जाएंगे और ये बड़ा अच्छा सा दही जम जाएगा। अब इसको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और इसके ऊपर हम एक लिड दे देंगे और अब हम इसको 4 या 5 घंटों के बाद चेक करेंगे, दही जम जाएगा तो फिर आपको दिखाते हैं। ये दही जो है वो 4 आवर्स हो गए मुकम्मल और दही बहुत अच्छा जो है जम गया। आपको इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से इसकी ऊपर वाली लेयर नज़र आ रही होगी। तो ये थी दही जमाने की एक शॉर्ट सी रेसिपी। आप सबका दही भी यकीनन बहुत अच्छा जमता होगा। ये मैं आपको थोड़ा सा प्याले में निकाल के दिखा भी देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी अच्छी इसके ऊपर बलाई आई है। ये देखिए बहुत अच्छी सी लेयर है इसकी बलाई की। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी और फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।